नमस्कार दोस्तों, ये है कूलर की मोटर जो कि चलते चलते जाम हो गई है और इसमें जो है 4 का कंडेंसर लगा है। ये मोटर चल रही थी और चलते चलते जाम हो गई है, अटक जा रही है। अगर इसे पंखे को घुमाएं तो ये जो है एक राउंड चल रही है और फिर जाम हो जा रही है। तो इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। 4 नट बोल्ट हैं इसमें, लंबी वाली रॉड है। तो इसे खोल के हम देखते हैं इसे, क्योंकि ये मोटर तो चल रही है, इसकी मोटर ठीक है और जो इसमें दिक्कत है वो शाफ्ट और बुश की दिक्कत है। ये इसका नीचे वाला बुश है, जो पीछे की तरफ वाला बुश है वो भी रगड़ा हुआ है, और ये जो आगे का ढक्कन है जहाँ जिस साइड फैन लगता है। मोटर ठीक है तो मोटर को हम अलग रख देते हैं। ये इसका बैक साइड का है ढक्कन और ये सामने वाला है जहाँ पंखा लगता है। तो ये जो है शाफ्ट जो है बुश से बिल्कुल चिपक गई है और ये पीछे की साइड भी जो है शाफ्ट कटी हुई है। तो इसमें थोड़ा सा मोमलेल डालते हैं और इसे फ्री करके बाहर निकालते हैं पहले। तो ये वाला बुश भी कट गया है इसका, और ये शाफ्ट इसकी दोनों तरफ से बिल्कुल बेकार हो चुकी है, घिस गई है। तो ये इसकी नई शाफ्ट और बुश है। नए शाफ्ट और बुश को जब आप इसमें डालेंगे तो उसी समय चेक कर लेंगे कि उसमें जो है प्ले ना हो और बुश जो है शाफ्ट में आराम से घूमना चाहिए और उसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। तो इसकी बुश बदलते हैं पहले, 6 रिपीट हैं इसमें। तो इस तरह का एक कोई भी एंगल ले सकते हैं आप, और एक हमें चाहिए पतला पेचकस जिसकी नोक आगे से पतली हो। तो हम इसको जब हम इसके बुश बदलेंगे तो हम अंदर की तरफ से जो है इसे एंगल के ऊपर ऐसे रख के जो है पेचकस लगाकर जो है हथौड़े से चोट मारेंगे, तो ये बड़े आराम से आपका रिपीट जो है बाहर निकल जाएगा। और इस तरह से जब आप रिपीट निकालते हैं तो हमारी बॉडी भी जो है सेफ रहेगी, वो जो है टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। और जो रिपीट का ये हमने 5 रिपीट निकाल दिए हैं, अब ये 6ठा है। और इस तरह से रिपीट निकालने पर जो है इसके जो रिपीट की छेद हैं वो भी बड़े नहीं होते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, बुश, गद्दी और एक स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है बुश को दबाए रखता है, और ये देखिए बिल्कुल जैसे था कूलर का ढक्कन वैसा ही है, टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं हुआ है और होल भी जितने पहले थे उतने ही हैं। 3 चीज़ें इसमें हैं। और जनरली जी इसका जाम होने का जो कारण है, ये इसका बुश बिल्कुल कट गया है। जाम होने का जो इसका कारण है वो समय के साथ जो है गद्दी का सूख जाना और बुश का जो है बिल्कुल बुश का सूखा चलना, तो ये सब कारण होते हैं। इसलिए उसमें समय समय पर ऑयलिंग करते रहनी चाहिए। ऑयल के लिए एक पाइप दिया गया है उसमें प्लास्टिक का, जिसकी सहायता से हम इसमें तेल डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने नया बुश इसमें लगाया, उसके बाद गद्दी लगाई जो हमने भिगा दी थी, और फिर स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के हमने जो है लगा दिया। अब जो ये इसकी ये कटोरी है, इसमें ये छेद बना है, यहाँ पर हम अपने जो ये प्लास्टिक का है जिससे हम ऑयल इसमें डालते हैं उसको इसमें इसी तरह से फंसा के जैसे ये पहले था वैसे ही हमें इसे एडजस्ट कर देना है। वो जो इसके रिपीट हैं वो जो है लोहे के भी हो सकते हैं और एल्युमिनियम के भी। तो इस तरह से हम जो है इसे रिपीट लगा के ये हमने भांग के ऊपर रख दिया है, और एक शाफ्ट से हम इसे जो है ठोक देंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम आमने सामने की रिपीट ठोक देते हैं। अब हमें इससे जो है दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी के 4 रिपीट हम बड़े आराम से जो है ठोक देंगे। ये देखिए इस तरह से जो है
आपका बुश चेंज हो गया है बस। इसी तरह से हम दूसरा ढक्कन पकड़ेंगे और उसके भी रिपीट काट कर, रिपीट चाहे लोहे के हों चाहे एल्युमिनियम के, आराम से निकल जाते हैं। अब हम इसकी शाफ्ट चेंज करते हैं। तो शाफ्ट चेंज करने के लिए पहले इसके ये फाइबर के जितने भी वाशर लगे हैं आगे की साइड और पीछे की साइड, उन्हें उस हिसाब से निकाल के रख देंगे। अगर कोई ख़राब हो गया है वाशर या टूट गया है तो उसे चेंज कर देंगे। और ये शाफ्ट जो है दोनों तरफ से बेकार हो गई है, ये देखिए इस साइड से भी और इस साइड से भी, इसमें गड्ढा भी पड़ गया है। तो जब हम नई शाफ्ट इसमें डालेंगे तो अपना रोटर किस स्थिति में रखेंगे ये हम देख लेंगे। इस तरह से एडजस्टमेंट करके फिर एक लोहे का हमें पाइप चाहिए, उसको इस तरह से डाल के हम ऊपर से इसमें हथौड़ी मारेंगे किसी पत्थर के ऊपर रखकर या जो भी आपके पास ठोस चीज़ हो। तो इस तरह से ये इसकी शाफ्ट निकल जाती है और फौरन हम इसमें जो है नई शाफ्ट डाल देंगे। नई शाफ्ट डालते समय आपने ये ध्यान रखना है कि इसे शाफ्ट को ऊपर से डायरेक्टली फोकना नहीं है, उसके ऊपर वही पुरानी शाफ्ट जो निकली है उसे रख के आप ठोक देंगे तो ये शाफ्ट आराम से चली जाएगी और जो है ये शाफ्ट नई वाली फैलेगी भी नहीं। अगर आप डायरेक्ट इसमें हथौड़ी मारेंगे तो ये शाफ्ट फैल ही जाती है वो, और फिर बुश में जाने में दिक्कत करती है। फिर हम इसमें अपने जो फाइबर का वाशर जो जहाँ जिस साइड था उस साइड लगा के एक बार चेक कर लेंगे इसे कि ये फैली तो नहीं है। तो ये नहीं फैली है और आराम से घूम रही है। तो हल्का सा इसमें मोमलेस डाल के ग्रीसिंग कर देंगे, थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस में भी मोमलेस ऑलरेडी होता है, इस तरह से हम लगा देंगे इसमें। इस तरह से अगर आप शाफ्ट बुश बदलते हैं तो मुश्किल से आपको 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है और उसके बाद इसका ढक्कन जिस हिसाब से लगा था जो तारे जैसी निकली थी वैसी निकाल के रोटर डाल के चेक कर लेंगे। और फिट करते समय जो इसके ऑयल वाले ये छेद हैं इन्हें आमने सामने रखना है, अन्यथा इसका इसकी सेटिंग जो होती है वो आ नहीं पाती है। तो ये हमारा कूलर रेडी हो गया है, चल रहा है। तो इस तरह से आप आराम से इसे जो है बदल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।